आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज हम कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखोगे तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो चैप्टर 3 है और सेक्शन 10 से लेकर के 15 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं वो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से डील करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखोगे चैप्टर 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील्स विथ कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और सेक्शंस है 10 से लेकर के 15। अब यहाँ पे सारे सेक्शंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप केवल दो सेक्शन ही रेफर कर देते हो तो अपने आप में वो इनफ है और आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो जिन दो सेक्शंस को आप रेफर करोगे वो है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 क्या कहता है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 11 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। राइट। अब देखो, जब आप सेक्शन 11 को देखते हो तो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉइडर हैं, हमें उन सभी प्रोविजंस को नहीं पढ़ना है, हमें केवल कुछ पॉइंट्स को पढ़ना है जिन पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और अगर आप केवल इतना ही याद रखते हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे और पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप जानो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है। हमने ये जाना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब कभी भी दो पार्टीज आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराते हैं तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं या तो एक सिंगल पर्सन हो सकता है या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं। तो ये जो आर्बिट्रेटर्स का नंबर है, ये जो आर्बिट्रेटर्स का ग्रुप है हु जॉइंटली हेल्प्स द पार्टीज टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट, हु गिव्स डिसीजन एंड विच इज ऑलमोस्ट बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, यही आर्बिट्रेटर्स का जो ग्रुप है वो कहलाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। राइट। सेक्शन 2D ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिफाइन करता है। सेक्शन 2D डिफाइन करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। राइट। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मींस सोल आर्बिट्रेटर और दूसरा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स
और हमने ये जाना कि आर्बिट्रेटर्स के जो नंबर होंगे वो हमेशा ऑड में होंगे इन ऑर्डर टू अटेन द मेजॉरिटी डिसीजन, राइट। तो सोल आर्बिट्रेटर में वन आर्बिट्रेटर होगा और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स में एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स होंगे लेकिन जो नंबर होगा वो ऑड में होगा, जैसे 3, 5, 7, 9 etc. ठीक है। सेक्शन 10 क्या कहता है, देखो सेक्शन 10 कहता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। इसमें पहला पॉइंट, पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। तो देखो पहला पॉइंट ही कह रहा है सेक्शन 10 का, पार्टीज जो हैं वो फ्री हैं आर्बिट्रेटर्स के नंबर को निर्धारित करने के लिए, दे आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, हाउ मैनी ऑफ आर्बिट्रेटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट। लेकिन जो नंबर है वो क्या होगा, इवन में होगा। क्या इवन में होगा? नो, नंबर हमेशा ऑड में होगा। तो आगे कह रहा है सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। दूसरा पॉइंट, फेलिंग द डिटर्मिनेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर्स। यानी सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में जो बातें कही गई हैं, अगर आर्बिट्रेटर्स उसे पूरा करने में फेल हो जाते हैं, यानी सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेटर्स का कितना नंबर होगा, कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, ये टोटली डिपेंड करेगा पार्टीज के ऊपर और पार्टीज उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आर्बिट्रेटर्स के नंबर को पार्टीज फिक्स करने में फेल हो जाती हैं, निर्धारित करने में फेल हो जाती हैं, तो देयर शैल बी वन आर्बिट्रेटर, देयर शैल बी अ सोल आर्बिट्रेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है सेक्शन 10, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स शैल बी फिक्स्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स बट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे इफ पार्टीज बिकम फेल इन फिक्सिंग द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स देयर शैल बी वन आर्बिट्रेटर। ठीक, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बशर्ते आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। ठीक है, चलिए सेक्शन 11, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो सेक्शन 10 में हमने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को समझा, सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करता है। अब ये बड़ा सेक्शन है तो इसे हम आराम आराम से समझेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। क्या कह रहा है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो किसी भी नेशनैलिटी के, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, जब तक
पार्टीज के बीच एक्सप्रेसली ये डिसाइडेड ना हुआ हो कि जो आर्बिट्रेटर होगा वो इस पर्टिकुलर नेशन का होगा, क्योंकि ये जो आपका एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसे आप अनसिटल कहते हो उसके प्रोविजंस पर बेस्ड है, अनसिटल लॉज पर बेस्ड है। तो इसलिए जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करेंगे तो आर्बिट्रेटर्स किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, जब तक पार्टीज के बीच ये फिक्स ना हो कि इस पर्टिकुलर नेशन का ही आर्बिट्रेटर उनके डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। क्या कहता है, सेक्शन 11 के ही सबसेक्शन 6 के तहत पार्टीज आर फ्री, पार्टीज फ्री हैं टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर कि किस प्रोसीजर के तहत वो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 6 के तहत पार्टीज फ्री हैं आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने में, या हम कह सकते हैं आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा इसे डिटरमाइन करने के लिए पार्टीज फ्री हैं, वो अपने बीच अग्रीमेंट कर सकती हैं। चलिए लगे हाथ सेक्शन 11 के सब सेक्शन 6 को भी समझ लेते हैं। तो सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11 वेयर इट इज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, जो दूसरा छत है उस पर से कोई मुझे देख रहा है, ठीक है, तो चलिए, वेयर इट इज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसे फिक्स किया गया है, अग्रीमेंट हुआ है कि आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट का ये प्रोसीजर होगा, बट आगे कहता है पार्टी फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर दैट प्रोसीजर, लेकिन पार्टीज अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फुलफिल करने में फेल हो जाती हैं। किसके अपॉइंटमेंट, तो आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने में पार्टीज फेल हो जाती हैं। दूसरा, द पार्टीज और टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल टू रीच एन अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड बिटवीन देम अंडर दैट प्रोसीजर। अब देखो, कह रहा जो पार्टीज हैं, अगर दो पार्टीज हैं तो एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट करेगी और दूसरा पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और ये जो दोनों आर्बिट्रेटर्स हैं मिल करके एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, तो हो गए 3 आर्बिट्रेटर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पार्टीज और दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स एज पर अग्रीमेंट आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने में फेल हो जाती हैं, और तीसरा कह रहा है अ पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू हिम और इट अंडर दैट प्रोसीजर, कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन जो एज पर अग्रीमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर्स फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल कर जाते हैं, यानी वो पर्सन और वो इंस्टीट्यूशन, तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है इन दीज सिचुएशंस, इन परिस्थितियों में अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी बाय आर्बिट्रल
इंस्टीट्यूशंस डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इन केसेस में जो अपॉइंटमेंट होगा पार्टीज के एप्लीकेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के तहत पार्टीज के जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन उसे कंप्लीट करेगा। यानी सिंपल सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 6 कहता है कि वेयर इट इज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, बट पार्टीज के बीच अग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, लेकिन पार्टीज फेल कर जाती हैं, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पर्सन को ये दिया गया था कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को आप ऐसे कंप्लीट करोगे एंड दैट इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू देम। तो ऐसे केसेस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा आर्बिट्रेटर्स का, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन करेगा जो कि डेजिग्नेटेड होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और कहता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में और बाय हाई कोर्ट, इन केस ऑफ आर्बिट्रेशंस अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एज द केस मे बी टू टेक नेसेसरी मेजर्स अनलेस द अग्रीमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड्स अदर मीन्स फॉर सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट। तो केवल आप वहीं तक लिखोगे, ठीक है। इन दीज सिचुएशंस अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी बाई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ग्रांटेड बाई या डेजिग्नेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट। अब आप लिखोगे फेलिंग सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 इन आर्बिट्रेशन विथ 3 आर्बिट्रेटर्स, ईच शैल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर एंड द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स शैल अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर हु शैल एक्ट एज प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्या कह रहा, फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। तो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर सबसेक्शन 2 में जो बातें कही गई हैं रिगार्डिंग अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स और पार्टी फेल कर जाती हैं, तो कहता है इन केस ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स, 3 आर्बिट्रेटर्स के केस में क्या होगा। अब क्योंकि आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पार्टीज जो हैं एज पर दियर अग्रीमेंट फेल कर गई हैं, तो एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट करेगी, दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी अपॉइंट करेगी, और ये जो दोनों आर्बिट्रेटर्स हैं ये मिलकर के एक तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करेगा। अब 3A क्या कहता है, 3A Thank you.
provided that in respect of those high court jurisdictions where no graded arbitral institutions are available, उन हाई कोर्ट jurisdictions के रिस्पेक्ट में, देखो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 3A कहता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल institutions फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 3A कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो समय समय पर आर्बिट्रल institutions को डेजिग्नेट करेंगी। अब आगे कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज हाई कोर्ट jurisdictions वेयर नो graded आर्बिट्रल institutions आर अवेलेबल, देन चीफ जस्टिस ऑफ concerned हाई कोर्ट मे मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर discharging functions and duties of arbitral institutions। उन हाई कोर्ट jurisdictions के रेस्पेक्ट में जहाँ कोई भी graded arbitral institutions available नहीं है, तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करेंगे, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को मेंटेन करेंगे जो कि फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को डिस्चार्ज करेगा। यानी सबसेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 11 स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस टाइम टू टाइम। लेकिन उन हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से केस में जहां एक भी डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को मेंटेन करेंगे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के पावर और फंक्शंस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड एनी रेफरेंस टू दी आर्बिट्रेटर शैल बी डीम्ड टू बी एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। और अगर वो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स कोई रेफरेंस देते हैं, कोई डिसीजन देते हैं, तो माना जाएगा कि ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस है। और उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, जो फीस होगा, वो इसी पर्टिकुलर एक्ट के शेड्यूल 9 के तहत होगा। द फीस ऑफ दोज आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, फीस ऑफ दोज आर्बिट्रेटर्स इन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस शैल बी डिटरमाइंड एज पर शेड्यूल 9 ऑफ दिस एक्ट। जिसमें कह रहा है कि जब आप शेड्यूल 9 को देखोगे, सम इन डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है उसका अमाउंट अगर अप टू 5 लाख है तो फीस कितना होगा, 45,000 होगा। और सम इन डिस्प्यूट इन केस मोर देन 5 लाख बट अप टू 20 लाख तो 45,000 वो प्लस 3.5% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप इतना एक्सप्लेन कर देते हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। सेक्शन 11 के जितने भी प्रोविजंस हैं एक बार आप उन्हें पढ़ना और इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना और नोट्स बना लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आता है और आप इतना लिखते हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी जो नोट्स हैं, जब ADR का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये जो बड़ा सा टॉपिक था जिसे हमने बड़े ही इजी वे में कवर किया, उन पॉइंट्स को समझा जिन पॉइंट्स को हमें वाकई में समझना चाहिए। तो अगर ये वीडियो
आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है, तो इस एफर्ट को देखते हुए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।